हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीवर टुडे। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट वन बनाएंगे। तो एनसीईआरटी में जो जितने इंटेक्स क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइजेज हैं, आज हम उनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन टू द एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन इस वजह से करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कई बार जो है वो करोडेड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो उसको हम सैंड पेपर या फिर किसी भी पेपर से रब करते हैं ताकि उसके ऊपर से जो करोडेड सब्सटेंस है उसका ऑक्साइड है वो हट जाए और वो आसानी से बर्न हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, दे विल कम्बाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन इज द बैरियम क्लोराइड एंड अमंग द अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम इनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे। बैरियम क्लोराइड इज BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4, एंड इट विल गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो सबसे पहले हम किसी भी बैलेंसिंग के अंदर पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड द राइट साइड ऑफ द एरो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेरियम यहाँ भी वन है, बेरियम इधर भी वन है। अब हम क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं, इसको कर दें 3 और इसको कर दें 2। तो अब दोनों जगह पे हमारे पास जो बेरियम है वो क्लोरीन है, वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे बेरियम के अंदर एक इम्बैलेंस आ गया, तो हम यहाँ पर भी बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेरियम सल्फेट को। तो यहाँ बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब सल्फेट पे आते हैं, सल्फेट यहाँ भी 3 हैं और सल्फेट यहाँ भी 3 हैं। अब दूसरी चीज़ है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज सोडियम, सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। तो ये सोडियम यहाँ बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो हमें इसे बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे, हम इसको करते हैं 2, तो यहाँ टोटल हो गई 4 हाइड्रोजन, और इसको करते हैं 2, तो यहाँ हो गई 2 और 2, 2 प्लस 2 4। लेकिन इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होगा, इस वजह से हमारा सोडियम जो है उसके अंदर इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ अब हम सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो चुका। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और इसके अंदर हम ये है क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास यहाँ बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और ये रिएक्ट करके हमारे पास इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बना रहा है। इनसोल्यूबल और प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है डाउन एरो और सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ हाँ बैलेंस है, बेरियम इधर एक एटम है, बेरियम इधर भी एक एटम है, क्लोरीन इधर 2 हैं, क्लोरीन इधर 1 है, तो हम डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम इधर भी 2 हैं, अब इधर भी 2 हो गए, सल्फेट इधर 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। अब जहाँ तक बात है इसके अंदर हमें साइन लगाने हैं, तो हम इसमें एक्वस का साइन लगा सकते हैं, इसमें एक्वस का साइन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्ट्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, इस वजह से हमने इसे डाउन एरो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट लिखा। तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर. तो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl. तो ये दोनों इन वाटर हैं, तो इसका मतलब ये एक्वस स्टेट के अंदर मौजूद है. ये रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं सोडियम क्लोराइड जो कि अभी भी एक्वस स्टेट के अंदर है, ये डिजॉल्व फॉर्म के अंदर पाया जाएगा प्लस वाटर. तो सोडियम एक, इधर भी एक OH, ऑक्सीजन इधर एक, इधर भी एक H, यहाँ पर दो हैं, यहाँ भी दो हैं, क्लोरीन इधर एक है, क्लोरीन इधर भी एक है. तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये इंटेक्स क्वेश्चन ही है, दूसरे पेज पर है, तो इसको हमने दोबारा से वन मार्क किया है. तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. तो ये जो सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड फॉर्मूला. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया है. राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव वन. ठीक है, इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनाता है. तो अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो कैल्शियम यहाँ पर एक एटम है, कैल्शियम इधर भी एक एटम है, कार्बन इधर एक एटम है, कार्बन भी इधर एक एटम है, ऑक्सीजन यहाँ तीन और एक चार, यहाँ दो और दो चार है, और हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है. तो ये इट्सेल्फ इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7. तो 1.7 एक्टिविटी से हमने ये फिगर यहाँ पर कोट की है. डबल द अमाउंट ऑफ डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन ईच अदर. इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड है, और यहाँ जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड है, उन दोनों के अंदर फर्क डबल का है. तो ये फर्क डबल का कैसे आया? असल में जब ये एक रिएक्शन फोटोलिसिस ऑफ वाटर की है, जब हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है. अब यहाँ ऑक्सीजन गैस के हमारे जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट है वो 1 है, और हाइड्रोजन गैस का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट 2 है. तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन गैस एक मतलब उससे हाफ अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस. दोस्तों अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे. तो व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. तो कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसके अंदर आयरन सल्फेट बनता है प्लस कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. तो इस वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू होता है, और ये सॉल्यूशन पेल कलर का होता है या फिर थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, लेस ब्लू होता है. तो एक कलर ट्रांजिशन होता है इस के बीच, और ये जो नेल है ये ग्रे कलर से थोड़ा सा ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी. तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास है NaCl प्लस बेरियम सल्फेट. ये बनाता है बेरियम क्लोराइड एंड Na2. तो यहाँ पर सोडियम भी एक एटम से अटैच्ड है और बेरियम भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड. तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, और जब दो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब यहाँ पर हम सोडियम को अगर देखते हैं तो सोडियम यहाँ एक एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, और यहाँ पर सोडियम जो है वो एक मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है. तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होना इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन.
और यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है और यहाँ ये ऑक्सीजन मेटल के साथ अटैच्ड है, देखते हैं। तो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ रिडक्शन। अब ये रिडक्शन है कैसे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लिबरेट किए वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दोनों के दोनों एक्सेप्ट किए और ऑक्सीजन बन गया O2-। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये O2- की फॉर्म में है और यहाँ इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। अब सिंपली अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच था, तो यहाँ ऑक्सीजन इसका चला गया तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन जो एक एलिमेंटल स्टेट के अंदर था इसके अंदर ऑक्सीजन अटैच हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा हमें इनकरेक्ट है ये सिलेक्ट करना है। एक ही रिएक्शन है हमारे पास, लेड ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम देखेंगे बारी बारी कौन सा रिएक्शन सही है और कौन सा रिएक्शन गलत है, उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। जैसे लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है और लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ठीक ये सही है। लेड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो ए एंड बी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरस बनाता है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो छोटे एलिमेंट्स मिलकर, दो छोटे एटम्स मिलकर या फिर दो छोटे स्पीशीज मिलकर एक बड़ी स्पीशीज या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम एक एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, ये कंबाइंड स्टेट के अंदर नहीं है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नहीं इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, और जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मेटल सॉल्ट बनाता है, प्लस उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे कि अब देखते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। अगर हम HCl को आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा मेटल सॉल्ट बनेगा, FeCl3 प्लस टू गैस, तो ये ठीक है, ठीक लग रहा है, आयरन क्लोराइड है ये। क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। और आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, वाटर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, तो ऑप्शन ए इस। अभी फर्दर इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्दर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर दें। हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। हैव अ नाइस डे।